हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ख़ास चीज़, और जो है एक कुशन कवर। तो शुरू करते हैं अपना कुशन कवर बनाना, जिसके लिए मैंने लिया है अपना ये कुशन, और इसके लिए मैंने लिया है कपड़ा। तो बिना फॉर्म के इसे बनाने जा रही हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगी। देखिए, इस तरह से मेरे पास कपड़ा था, तो मैंने क्या किया है कि कपड़े को डायरेक्टली इस तरह से रख के और हाफ हाफ इंच के मार्जिन के साथ, मतलब 1 इंच आप हाफ इंच, 1 इंच कुछ भी आप मार्जिन ले सकते हैं साइडों से, और इतना एक पीस आप कट कर लीजिए। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा और कपड़ा, जिससे कि इसकी थिकनेस बढ़ जाए। अगर हम इसमें फॉर्म नहीं भी लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने वाला है, और बहुत इजी वे में आज आपको बताऊंगी। तो पहले इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे, और अटैच करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसके बीच बीच में इस तरह से यूँ करके तिरछी तिरछी लाइंस के साथ में इसे क्विल्ट कर लूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे क्विल्ट करने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसमें चेक कर दिए हैं। इस तरह से मैंने सीधी सीधी लाइनें, पहले तिरछी तिरछी लाइनें इस तरह से ली, उसके बाद फिर मैंने इधर से चेक करने शुरू किए। एक्चुअली अभी मैंने स्केल से लाइन खींच के नहीं कराया, क्योंकि मैं ये क्लाइंट्स के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बना रही हूँ। अदरवाइज़ अगर प्रोफेशनल वे में बनाती हूँ तो मैं इसे अच्छे से स्केल से लाइन खींच के एक एक लाइन का ध्यान रखती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा बन गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है। और अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके बैक के लिए भी कपड़ा काट लेंगे, और पहले जो हमारा ये कपड़ा है इसको एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। ये हम अपने कुशन के साइज़ का मतलब नाप लेके और इसको कपड़े को कट कर लेंगे। जैसा कि अब मेरे कुशन कुशन का साइज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है 13 इंच, 14 इंच, ठीक है, 14 है, और 14 बाय 14 एंड हाफ कुछ इस तरह से है। तो अब मैं नीचे वाले कपड़े को इसी के मेज़रमेंट के हिसाब से कट कर लेती हूँ, फिर इसके बैक काटना आपको बताती हूँ। और हाँ दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में आप आधे इंच का मार्जिन लेके रखिएगा, जो कि हमें सिलाई में दबाने के लिए चाहिए, दोनों तरफ से, मतलब चारों तरफ से ही चाहिए, दोनों, क्या इधर से भी, उधर से, इधर से, इधर से, हर तरफ से हाफ हाफ इंच आप छोड़ के चलिएगा। जो इसका यहाँ तक मेज़रमेंट आ रहा है जैसे ये, तो हम इससे इतना इतना एक्स्ट्रा कट करेंगे, जो कि हमारा दबाने में आराम से आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये कट कर लिया है हाफ हाफ इंच के अराउंड, एक्स्ट्रा कट कर लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, दबाने में आ जाएगा, और अगर थोड़ा सा कवर ढीला भी रहेगा तो चलेगा, हम फिर बाद में उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने पहले ही बिल्कुल फिट काट दिया तो फिर हम उसे बढ़ा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसके बैक के लिए, एक मेरे पास कपड़ा है, इसमें से इसकी बैक काटेंगे जो इससे बिल्कुल मैच हो रही है, देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताती हूँ। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस कपड़े को रखेंगे जो हमने अभी तैयार किया है, इस कपड़े को इस प्लेन कपड़े के ऊपर जिससे हमने बैक बनानी है उसके ऊपर रखेंगे, और ऊपर रखने के बाद 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 4 इंच एक्स्ट्रा किस लिए लेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। 4 इंच एक्स्ट्रा लेके इस कपड़े को लंबाई में एक्स्ट्रा हम कट करेंगे, बाकी इसकी जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है, ये सेम रहने वाली है, सिर्फ इसकी लंबाई हम 4 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 4 इंच हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया है, और अब इसको उठाएंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसे टोटल 2 पीसेस में कट कर लेंगे, यहाँ से बीच से कैंची फंसा के इसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे। अब हमने इसे 2 पार्ट्स में तो कट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पार्ट तो इसमें यहाँ पर स्टिच कर देंगे, यहाँ पर सिल देंगे, और एक पार्ट को हम नीचे यहाँ पर सिल देंगे, इस तरह से। एक पार्ट इसके नीचे पोर्शन में यहाँ पे सिला जाएगा अटैच करके, और एक पार्ट हम ऊपर वाले पोर्शन में अटैच करके सिल देंगे। ये सिलने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, फालतू का जो साइडों में एक्स्ट्रा कपड़ा आया था वो सब मैंने कट कर लिया है, और अब हम इसको मोड़ लेंगे, जहाँ पे जैसे सिलाई वाली साइड है ना अंदर, इधर ही को हमने इस कपड़े को इस तरह से मोड़ लेना है, और इसके दोनों कॉर्नर, इधर भी और इधर भी, जो है इधर वाली साइड, इसको भी हम इसी तरह से मोड़ लेंगे, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ इसे मोड़ने के बाद, ठीक है। ये देखिए दोस्तों,
ये देखिए दोस्तों, अब मैंने ये दोनों साइड मोड़ ली हैं, इधर से भी मैंने मोड़ लिया है और इस साइड से भी मोड़ लिया है। अब हमको क्या करना है, मेन फैब्रिक जो है हमारा, इसको बाहर रख के और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। जैसे यहाँ पे ये बैट सिलाई आई है, यहाँ पे ये बैट सिलाई आ रखी है, इसको अच्छे से पूरी फिनिशिंग के साथ दबाते हुए बिल्कुल मतलब बीच सेंटर में ले आना है कपड़े को अच्छे से। मेन फैब्रिक रहेगा इस तरह से और ये इस तरह से आ जाएगा, ये एक के ऊपर एक चढ़ा के। और अब हम इसको सीधी लाइन एक बार इधर से हाफ इंच की दूरी पे और हाफ इंच की दूरी पे इधर से सिल देंगे। दोनों साइडों से हम हाफ हाफ इंच छोड़ के सिल देंगे और फिर दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों इस तरह से दोनों साइड मैंने लगा दी है सिलाई, ये देखिए इधर भी और इधर भी। अब क्या है, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं फिर से कट कर दूँगी और उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली ये बनके हो गया है तैयार। तो इसका लुक कुछ ऐसे आया है और पीछे से इसमें इतना इतना गैपिंग है। तो अब आप इसे, आपको मैं इसे लगा के दिखाती हूँ कुशन में। तो फाइनली दोस्तों ये बनके हो गया है तैयार और देखिए इसमें इतना मतलब इस तरीके से थोड़ा सा मार्जिन भी है और अब ये इससे जो है बाहर भी नहीं निकलेगा और इसमें चेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एकदम फिट बना है, ना ढीला ना टाइट। और इसे प्लेस करते हैं तो ये मेरी बेडशीट के साथ भी मैच कर रहा है और अभी तक ये कवर वॉश कर रखे हैं तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, अदरवाइज़ इस तरह से इसका लुकिंग आएगा, इसका लुक इस तरह से इन्हेंस होगा और आएगा। तो सेकेंड कुशन कवर बनाने के बाद मैं आपको फिर दोनों का एक दिन कम्युनिटी पोस्ट में फ़ोटो डालूंगी, तो आप देख के बताइएगा कैसा लग रहा है। और मुझे तो सच बोलूँगी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है, या मुझे बहुत भल लगो मो अगर मैं अपने पहाड़ी भाषा में कहूँ तो ये मकनी बहुत भल लगो मो, कतू सॉफ्ट है रो, कतू सुंदर है रो, बहुत ब्यूटीफुल है रो। धन्यवाद। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।